हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अनु क्रोशेट एंड क्राफ्ट। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए क्रोशिया का ये 3D वाला डिज़ाइन। इसे 3D क्रोशिया डिज़ाइन कहते हैं। इसके साइड में ये एक फ्लावर बनता है और हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं फ्लावर से। वैसे ग्रैनी स्क्वायर मिडल से बनता है, बीच से हम शुरू करते हैं, पर ये कॉर्नर से बनता है। और अगर आप इससे बेडशीट बनाओगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा देखने में। आप टेबल मैट भी बना सकते हो ऐसे टिक्कियों को जोड़ जोड़ के, या आप अपने लिए जैकेट भी बना सकते हो। किसी के घर में न्यूबॉर्न बेबी है तो आप उनको गिफ्ट करने के लिए भी ये बना सकते हो। बहुत ही प्यारा लगता है देखने में फ्रेंड्स। इसमें मैंने जो कलर यूज़ किया है वो है वाइट, येलो, ग्रीन, रेड, ब्लू। आप अपने मन पसंद के हिसाब से, या बचे हुए जो वुल होते हैं, हमने कुछ बनाया होता है तो उस वुल से भी ये बना सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये फ्लावर बनाएंगे। उसके लिए मैंने वाइट वुल ले लिया है और लूप बना लिया है। जो मैंने क्रोशिया यूज़ किया है उसका साइज है 2.5 mm। देखिए 2.5 mm। तो सबसे पहले हमें लूप बनाना है और लूप बना के हम चार चेन बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार। चार चेन बना के हम इसे यूं करके स्लिप नॉट से बंद कर देंगे। अब एक, दो, तीन चेन बना के यूं एक डबल क्रोशे, दो डबल क्रोशे, तीन, हमें ऐसे आठ बार करना है, चार, पांच, छः, सात, और ये हो गया हमारा आठ डबल क्रोशे। अब एक चेन बना के हम इसे यहाँ पे स्लिप नॉट से यूँ बंद कर देंगे। अब इसमें हम येलो वुल अटैच करेंगे। येलो वुल अटैच करके हमें एक, दो, तीन, तीन चेन बनाएंगे। फिर हम एक डबल क्रोशे, दो डबल क्रोशे, तीन, चार, पाँच, और जो हमने चेन बनाया था इसे हम छः काउंट करेंगे और यूँ घुमा के इस तरह से इसे, ये देखिए ये बन गई एक पत्ती। अब हम दो चेन बनाएंगे और फिर इस वाले यहाँ पर आकर एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, छः बनाया मैंने और यूँ पलट लिया। ये देखिए ध्यान से ऐसे पलट लिया और यहाँ पर यूँ करके इसे एक और पत्ती बना ली फूल की। दो चेन, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। अब फिर इसे पलट लेंगे और यहाँ से यूं कर लेंगे। फिर एक दो चेन, फिर से इसके बगल में यहाँ पर एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, इसे यूं पलटी किया और यहाँ से यूं करके इसे बंद कर दिया। फिर दो चेन बनाया और सीधा किया। ऐसे ही हमें, मैंने चार बनाए हैं और चार ऐसे और बनेंगे, फिर ये हमारा फ्लावर कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूरी आठ पत्तियाँ बना ली है फूल की। अब हम इसमें ग्रीन वुल लगाएंगे ऐसे लूप बना के। यहाँ जो हमने दो दो चेन बनाया था बीच बीच में पत्तियों को जोड़ने के लिए, यहाँ पर हम ऐसे करके ग्रीन कलर का वुल लगा लेंगे और फिर एक, दो, एक डबल क्रोशे, दो डबल क्रोशे, तीन, फिर एक चेन और इसी जगह पर एक,
दो और ये हो गया तीन। तो हमने तीन डबल क्रोशे, एक चेन, तीन डबल क्रोशे बनाया। ठीक है फ्रेंड्स, अब बिना कोई चेन दिए हम इस जगह पे, मतलब अगली पत्ती के बगल में तीन डबल क्रोशे करेंगे, एक दो और ये हो गया हमारा तीन। फिर बिना कोई चेन दिए यहाँ पर आ जाएंगे कोने में और एक दो तीन। जैसे कि ग्रैनी स्क्वायर नाम से ही समझ में आता है कि चौकोर है, तो हमें इसे चौकोर का आकार देना है। तो ये हमारा एक कोना बन गया, यहाँ एक कोना बनेगा, यहाँ एक कोना और यहाँ एक कोना, हर दो पत्ती के बाद एक कोना बनेगा। तो देखिए इसी जगह पे मैंने तीन लिया, एक चेन दिया, फिर यहाँ पर हम तीन बनाएंगे, एक दो तीन। ठीक है फ्रेंड्स, अब बिना कोई चेन दिए यहाँ आ जाएंगे, एक दो तीन। फिर बिना कोई चेन दिए हम इस कोने में आ जाएंगे। देखिए यहाँ एक कोना बना, यहाँ एक कोना बना, अब यहाँ बनेगा एक कोना, एक। सिर्फ कोनों में हमें तीन डबल क्रोशे, एक चेन, फिर तीन डबल क्रोशे करना है, एक चेन और फिर एक दो तीन। ये देखिए यहाँ पर एक कोना बन गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब बिना कोई चेन दिए हम यहाँ पे तीन डबल क्रोशे करेंगे, एक दो तीन। फिर बिना कोई चेन दिए हम इस कोने में, ये भी एक कोना बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक कोना, ये एक, ये एक, हर दो पत्ती के बाद कॉर्नर आ जाएगा हमारे ग्रैनी स्क्वायर का, एक दो तीन, एक चेन, फिर एक दो तीन। ठीक है दोस्तों, ये देखिए चार कोने बन गए हमारे, एक दो तीन चार, और यहाँ पर हम इसे एक बना के यहाँ पर एक दो और ये हो गया तीन, और स्लिप नॉट से यहाँ इसे बंद कर देंगे ऐसे करके। तो ये देखिए दोस्तों पीछे से ये ऐसा दिखेगा, यूं करके ये देखिए चौकोर जैसा दिख रहा है ना आपको, और सामने से ऐसा। अब हम इसमें वाइट वूल लगाएंगे। तो ये देखिए मैंने वाइट वूल को यहाँ पे लगा लिया है, और मैंने यहाँ बनाए हैं तीन चेन। तीन चेन बना के हमें फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशे, दो डबल क्रोशे, और जो पहला चेन बनाया था उसे भी हम एक काउंट करेंगे। बिना कोई चेन दिए हम बगल में यहाँ पर एक दो और ये हो गया तीन, फिर यहाँ पर एक दो और तीन। इसके बाद ये कोने में आ गए हम, तो कोने में हमें वैसे ही करना है जैसे पहले किया था, एक दो तीन ऐसे बनाया, उसके बाद एक चेन, फिर यहाँ पर एक दो तीन, फिर यहाँ आ जाएंगे एक दो तीन, फिर यहाँ पर एक दो तीन, और अब हम कोने में आ गए हैं। कोने में आके यहाँ पर ऐसे एक दो तीन। तो हमें बस यहाँ से यहाँ बनाना था, ये हम छोड़ देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए अब इसी को पलटी करके हम एक लाइन और ऐसे बनाएंगे। तो एक दो तीन, यूं करके एक दो तीन, ऐसे करके हमें ये पूरा लाइन बनाना है। बस हम यहाँ पे तीन तीन, यहाँ पे तीन, एक चेन तीन, फिर यहाँ पे तीन, यहाँ पे तीन, यहाँ पे तीन, यहाँ पे एक। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे यहाँ शुरू किया था, मैं करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये पूरा हो गया, दो लाइन हमारा
बस हमें इसी के ऊपर बनाते जाना है, पर हमें इस साइड नहीं बना के ऊपर की साइड बस इतना ही बनाएंगे। अब हम इसमें रेड वूल लगाएंगे, इस कॉर्नर में हम रेड वूल लगा के फिर बुनना शुरू करेंगे। दो लाइन रेड करेंगे, उसके बाद जो लास्ट का लाइन होगा वो होगा ब्लू कलर। ये देखिए ऐसे एक दो तीन, एक दो, पहला चेन को भी हम एक काउंट करेंगे। तो तीन डबल क्रोशे हमें हर गैप में करना है। बस हम जब कॉर्नर में आएंगे तो तीन डबल क्रोशे एक चेन, तीन डबल क्रोशे वैसे करेंगे। ये देखिए एक दो तीन, एक दो तीन, कोने में आके तीन डबल क्रोशे एक चेन, फिर तीन डबल क्रोशे, ऐसे करके हम दो लाइन बनाएंगे। और दो लाइन बनाने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें ब्लू वूल से कैसे इसका बॉर्डर बनाना है। बॉर्डर मतलब लास्ट का जो लाइन होगा वो ब्लू वूल से हम बनाएंगे। ये देखिए ऐसे ही मैं ये लाइन पूरा करूँगी, फिर यहाँ से पलट के मैं वापस आऊँगी जैसे वाइट पे किया था, और एक लाइन और बनाऊँगी, फिर ब्लू वूल लगा के मैं आपको दिखाती हूँ। अब हम आखिरी लाइन बनाएंगे जो है ब्लू कलर का, इस तरह से सेम वैसे जैसे हमने वाइट वाला रेड वाला बनाया था वैसे ही हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। लेकिन हमने इन दोनों को बस यहाँ तक बनाया था, ब्लू वाले को हम यहाँ से लेके यहाँ आएंगे, फिर यहाँ, फिर पूरा स्क्वायर से हम कवर करेंगे इस तरह से। ये देखिए तीन तीन डबल क्रोशे हमें हर गैप में करना है, सिर्फ कोनों में जाके तीन डबल क्रोशे एक चेन, तीन डबल क्रोशे करके आगे बढ़ना है। ये देखिए हम कोने में आ गए, एक दो तीन, एक चेन, फिर एक दो तीन, फिर यहाँ पर एक दो तीन, और ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे। और हर जगह पे हमें तीन डबल क्रोशे, सिर्फ कोने में तीन डबल क्रोशे एक चेन, तीन डबल क्रोशे। ये हम कोने में आ गए हैं, तो यहाँ पर हमें तीन डबल क्रोशे एक चेन, तीन डबल क्रोशे। इस तरह से ही हमें चारों साइड को कवर कर देना है ब्लू कलर से। ये देखिए इस तरह से यहाँ, फिर यहाँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे पूरा कर दिया है। अब आप इसको चाहो तो इस तरह से जोड़ के कोई बड़ा प्रोजेक्ट बना सकते हो, जैसे कि बेडशीट, जैकेट, बेबी का ब्लैंकेट, या आप इसे यूं भी करके जोड़ सकते हो। ऐसे भी ये डायगनली भी अच्छा लगेगा देखने में, यहाँ पर एक बना के, यहाँ पर एक बना के, ऐसे ही आप बड़ा कर सकते हो। टेबल मैट, श्रग, स्वेटर, बेबी का स्वेटर, या अपने लिए भी आप जैकेट बनाओगे इस तरह का, तो बहुत ही सुंदर लगेगा देखने में। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का ये 3D वाला क्रोशिया का डिज़ाइन? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों को फैमिली में शेयर करना, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना। फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियोज़ देखते हैं उसमें से 40% से ऊपर लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, पर वो मेरी वीडियोस देखते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा, और फिर आप इमिडिएटली मेरे वीडियो पे आ सकते हो बिना मिस किए। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, हैप्पी एंड हेल्दी। बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।